And we'll read verse 17. उसकी 17 आयत पढ़ेंगे. James 1 verse 17. याकूब 1 उसका 17. Every good gift and every perfect gift is from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिनमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल का कारण उस पर छाया पड़ती है. Thank God for this wonderful word that He has given us. इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर दिया है उसका धन्यवाद. And the Bible talks about every good gift and every perfect gift that comes from above. बाइबल बताती है हर एक अच्छा एवं उत्तम वरदान परमेश्वर स्वर्ग से आता है. Jesus always talked about the above and the below. प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा ऊपर और नीचे की बातें की. He talked about his father above and he talked about the world below. उन्होंने बताया जो उसका पिता परमेश्वर है वो ऊपर है और जो संसार है वो नीचे है. When the Bible talks about a gift that comes from above and it refers to the Father of lights, it talks about a very important thing that we need to understand. और जब बाइबल हमें उत्तम वरदान के बारे में बताती है और ये बोलती है कि ये उत्तम वरदान ज्योतियों के पिता की ओर से आता है, तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बात है जो हमें सीखना है. The Bible wants to show us that God is good, as we are hearing it again and again. God is good. It talks about His goodness and it talks about the beauty of what we receive from God from above. और ये जो बात हम बारंबार सुन रहे हैं कि परमेश्वर भला है, वो भलाई का परमेश्वर है, और जब वो कोई वरदान देता है, यह भी उसके भलाई का प्रकटीकरण करती है. If you turn to the book of Revelation, you will find that it's talking about the devil or the Antichrist or the or Satan as a ascending from the bottomless pit. आप देख सकते हैं जब प्रकाशित वाक्य को आप पढ़ेंगे वहां शैतान के बारे में या यीशु विरोधी के बारे में या दुष्ट के बारे में कहा गया है. वहां लिखा है कि वह नर्क के उस तले से ऊपर उठता है. It's talking about the beast coming out of the water and one ascending from the earth. और एक पशु जो पानी से उभरता है और फिर एक दूसरा जो जमीन से निकलता है. If you turn to 1 Corinthians chapter 15, यदि आप पहले क्रिंथी की पत्री उसके 15 अध्याय में आएंगे, it talks about Jesus as one who came from above. वहां यीशु के बारे में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह ऊपर से आए थे. If you look at verse 47, यदि उसके 47वें आयत को आप पढ़ते हैं, of course it talks about Adam as the first man is of the earth, the second man is the Lord from heaven. हाँ, यहाँ पर लिखा गया है कि प्रथम मनुष्य जो आदम था वो धरती से था और जो दूसरा मनुष्य था वो स्वर्ग से था. Then it talks about us in verse 49, as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly. और वहाँ पर लिखा है आयत में जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही स्वर्गीय रूप को भी धारण करेंगे. If you turn to Philippians chapter 3, यदि आप फिलिपियों की पत्री उसके तीसरे अध्याय में आते हैं, it says in verse 19 onwards, उसके 19वीं आयत में लिखा है, it talks about people who are thinking about earthly things, that their God is their belly and whose glory is in their shame, who mind earthly things. वहां लिखा है कि ऐसे लोग जो संसार के बारे में सोचते हैं उनका अंत विनाश है और उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करके और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते रहते हैं. But it calls us to focus our eyes on the Lord of heaven. It says in verse 20, for our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. लेकिन ये सारी बातें हमें स्वर्ग के परमेश्वर की ओर देखने के लिए उत्प्रेरित करती है, जैसे 20वीं आयत में लिखा है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं. And Colossians chapter 3, it says that if we have been risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. कुलुसी की पत्री तीसरे अध्याय उसके पहली आयत लिखते हैं, वहां यू लिखा है, अतः जब तुम मसीह यीशु के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है. It says in verse 2, set your affection on things above, not on things on the earth. दूसरे आयत लिखा है, ध्यान से पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय बातों में अपने ध्यान को लगाओ. So when the Bible is talking about good gifts from above, it's actually asking us
us and inviting us to look and focus our eyes on things above. तो जब बाइबल हमें स्वर्गीय वरदानों के बारे में बताती है, वो चाहती है कि हम अपने ध्यान को, अपने आकेंद्र को उन स्वर्गीय वरदानों की ओर लगाएं जो भली है. And as our dear pastor preached yesterday, it's not just on the things or the blessings, but on the blesser, the father of lights. जैसे मेरे प्रिय पास्टर मार्क ने कल प्रचार किया कि हमारे जो निगाहें, हमारा जो अपेक्षा केवल आशीषों और भौतिक बातों की ओर नहीं रहना चाहिए, परंतु उन आशीषों का दाता जो परमेश्वर है उसकी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए. And so the Bible calls us to set our minds on things that are above. तो बाइबल बताती है जो बातें स्वर्गीय है उस पर हम अपने ध्यान को लगाएं. Now if you turn to James chapter 1 verse 17, it's a very beautiful way in which the words have been placed in the Greek language. याकूब ने पहले दस के 17 आयत में देखिए वहाँ बहुत ही खूबसूरती से यूनानी भाषा के शब्दों को संजोया गया है. If you look in the Greek, there were two words that were usually used to talk about something as good. और आप यदि कोई बात भली है इसको यदि कहना है तो यूनानी भाषा में इस बात को कहने के दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है. One word was agathos, एक जो शब्द है वो agathos है, which talks about something being constitutionally or intrinsically or by nature and by structure good. तो पहली बात जो संविधानिक रूप से अपने आप की संरचना में, अपने अस्तित्व में भली है, something that is good in itself or because of the way it was made. तो ये बात इसलिए भली क्योंकि इसको बनाने का रीति ही भला था और उस भलाई के कारण ये वस्तु भली है. So you have a good apple because it is healthy and it's not rotten. आपके पास एक अच्छा भला सेब का फल है क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है, ये सड़ा हुआ नहीं है. If it is rotten, it is bad. परंतु यदि ये सड़ जाता है तो ये आपके लिए बुरा होता है. So you can talk about an apple that it is agathos, it's good. तो जब आप एक सेब की ओर देखते हैं आप कह सकते हैं ये agathos है क्योंकि ये भला है. But if it is rotten, it is bad. लेकिन यदि ये सड़ चुका है तो यह बुरा है. Then there is another word which is teleos. फिर उसके बाद दूसरा शब्द जो इस्तेमाल किया गया भलाई के लिए वह है teleos. Teleos means means to keep the end or the result in perspective. और जो teleos है उस शब्द का तात्पर्य है कि वर्तमान नहीं परंतु जो अंत है, जो आने वाला है, उस पर अपने दृष्टिकोण को लगाकर. We have sayings like the end justifies the means. और जैसे हम कहते हैं कि सारी बातों का अंत जो है वो भला होता है. If the result of something is good, then that thing is good. यदि किसी बात का जो अंत नतीजा निष्कर्ष है भला होता है तो ये बात अपने आप में भली है. But that is not always true. लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं होता. Some people say if you can tell a lie and the result of telling a lie is good, okay, it's good to tell a lie. यदि आप कुछ किसी झूठ को बोलते हैं उस झूठ बोलने से किसी भलाई का भलाई उत्पन्न होती है तो झूठ बोलना ठीक है. But we don't believe in that. लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते. Then there is a saying you may know, one man's food is another man's poison. फिर आप देखते हैं एक ऐसी कहावत भी है जो कही जाती है जो जो चीज एक व्यक्ति के लिए भोजन है वही चीज दूसरे के लिए जहर है. For some person it is good, for others it is bad. किसी के लिए भली है, किसी के लिए बुरी है. According to what it does to them. और ये उसके मुताबिक होता है कि यह उनके लिए कैसे प्रतिक्रिया दिखाती है. I don't know about humans, but I can tell about the animal world and compare it with humans. मैं मनुष्य के बारे में, जगत के बारे में नहीं, पर जानवरों के बारे में बात करूं, मनुष्य की तुलना करके दिखा सकता हूं. I know all of us love to eat very good food. और मैं जानता हूं हम में से हर एक को अच्छे व्यंजन भोजन करना पसंद है. But if you give what we eat very good food to pigs, they won't enjoy it that so much. लेकिन जो बात हमें बहुत पसंद है यदि उसी भोजन को आप सुअरों को देंगे तो शायद उन्हें अच्छा ना लगे. I don't know about pigs in other places, but I know about pigs in Itarsi. और दूसरे जगहों के सुअरों के बारे में मुझे लगे कि इटारसी की बात करें इन सुअरों को मैं जानता हूँ. But I know this. Pigs, they love to be in the sewage and the, you know, all the dirty places and put their head deeply immersed in the dirt and really enjoy. और यहाँ के जो सुअर हैं इटारसी के उन्हें गटर में रहना बहुत पसंद है. अपने सर को उस कीचड़ के अंदर डुबोकर वहाँ पर खाते रहना बहुत पसंद है. They like to eat all those things. They like to stay there, sleep there, just enjoy. उस सड़ी गंदी नाली में पड़े रहना वहाँ पर मजे लेना इन्हें अच्छा लगता है. So that is good for them. यह उनके लिए अच्छा है. So you may say, well, one man, what is good for one man is not good for the other. आप कह सकते हैं एक व्यक्ति के लिए जो बात ठीक है, हो सकता है दूसरे के लिए ठीक ना हो. That might be the way you may look at teleos as good. हो सकता है आप जब teleos को देखते हैं, ये शब्द आपको बिल्कुल उससे संबंधित प्रतीत होता हो. Well, when the Bible talks about good,
in relation to humans, जब बाइबल हमें भलाई के बारे में मनुष्यों से संबंध दिखाकर जब बताती है, and then it talks about good that comes from above, फिर एक दूसरी भलाई के बारे में जो परमेश्वर मतलब ऊपर से आती है, we need to understand that the definition of good has its meaning in our understanding of God as the Creator who created us in His image and who knows what is good for us. जो परमेश्वर जिसने हमारी सृष्टि की और कहा ये भला है और हमारी भलाई को जो परमेश्वर जानता है, जब आप उसकी बात करते हैं, आपको इस दो प्रकार के भलाइयों में भेद पता करना, अंतर पता करना अति जरूरी है. Over the years, people and philosophers and scholars have contended and argued and debated and fought with each other. कई वर्षों से धर्म यानी दर्शन शास्त्री तर्क संघ करने वाले लोग आपस में इस बातों का वाद विवाद करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं. Some people say good is something which is good in itself. तो कुछ लोग ये बोलते हैं जब कोई वस्तु अपने आप में आंतरिक रूप से भली होती है हम उसे भला कह सकते हैं. It is intrinsically good, it's structurally good, it's constitutionally good. यह अपने संवैधानिक तौर से अपने संरचना में आंतरिक तौर पर यह वस्तु भली है. Others say well, that is not good. Good is something according to its results. You have to see the result and you have to see the end effects of it in order to determine whether it is really good or not. लेकिन दूसरे दल के लोग बोलते हैं नहीं ऐसा तुम्हें नहीं मानना है, लेकिन जिस बात को करने के द्वारा जो उसका निष्कर्ष निकलता है, जो नतीजा निकलता है, यदि वो भला है तो आपको उसे स्वीकार करना है. And if you study all these philosophers, sometimes you get confused. जो आप इस सारे दर्शन शास्त्रियों को पढ़ते हैं हो सकता है आपके मन में भ्रम उत्पन्न हो जाए. And in the modern world, people are really confused. और अत्याधुनिक युग की बात में तो लोग बहुत ही ज्यादा असमंजसता में हैं. We live in a world where people want to say that what is good for you enjoy, what is good for me, I will enjoy. कहें तो हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर लोग ये कहते हैं आपको जो अच्छा लगता है आप करो, मजे लो, मुझे जो लगता है अच्छा लगता है मैं करूंगा, मैं उसको मजा लूंगा. But the Bible here very clearly points out that God views both these concepts together. It's not just teleos, it's agathos, good in itself. I mean, because it's coming from God and created by God, and good because whatever God gives us has a very good effect and purpose. लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को देखिए तो परमेश्वर केवल ये नहीं कहता कि टेलियोस जो अंत का बात है वही ठीक होगा, लेकिन परमेश्वर जिसने अपने आप में अगाथोस का निर्माण किया जो आंतरिक रूप से संविधानिक रूप से अपने आप में ठीक है भला है, इन दोनों बातें जो स्वर्ग से आती है परमेश्वर कहता है दोनों भली बात. Now the devil when he comes he'll say well do something bad and the results will be good. अब शैतान आपसे आकर ये कहता है कि तुम अब ये बुरा काम करो मान लो इसका नतीजा अच्छा होगा. You know, and if you receive something just from the world, it may look good, but the results may be bad. कई बार आप संसार से किसी बातों को स्वीकार करते हैं, करने का प्रयास करते हैं, हो सकता है भला प्रतीत हो, लेकिन अंत में ये बुरा साबित होगा. But the Bible says, for instance, regarding riches, when God gives riches, He doesn't add afflictions with it. धन के बारे में जब बाइबल बताती है, जब परमेश्वर आपको धन देता है, संपत्ति देता है, उसके साथ वो दुख नहीं देता. Because every good and every perfect gift comes from the Father of lights above. क्योंकि हर एक वरदान, हर भली वस्तु जो ज्योतियों का पिता ऊपर रहता है, उसकी ओर से आती है. But look at the people who love money and try to get it just by themselves. लेकिन आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो लोग पैसे से प्रेम करते हैं और अपने पूरे प्रयासों के द्वारा उसे प्राप्त करना चाहते हैं. First Timothy 6 it says they pierce themselves with many sorrows. आप देखते हैं तीमोथी पत्र में लिखा है कि वो अपने आप को बहुत से दुखों के द्वारा भेद डालते हैं. So God is good and whatever He gives is good constitutionally and it is good in its effects. तो जो कुछ परमेश्वर देता है संविधानिक रूप से आंतरिक रूप से अपने आप में भला तो है ही, साथ में जो उसका नतीजा निकलता है, जो निष्कर्ष है, वो भी भला होता है. It is good and it is perfect. यह भला है और यह सिद्ध है. Now the reason why James is saying is this because there are certain people who try to talk differently about God and talk things about God which is not true. और याकूब के ये कहने का कारण ये है कि कुछ लोग ये मानते हैं जो परमेश्वर देता है वो भली नहीं होती, परमेश्वर की तरफ से जो बात आती है वो ठीक नहीं है. Especially when they break the commandment of God and take the name of the Lord in vain. विशेषकर जब लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं और उसका नाम व्यर्थ में लेते हैं. They do something wrong and then they say, well, the Lord led me to do it. वो करते हैं कुछ गलतियां और अंततः कहते हैं, अरे परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की थी. One of the biggest sins among Christians.
Christians, especially among Pentecostals and Charismatics, is to take the name of the Lord in vain. आप Pentecostal लोगों के बीच में, Charismatic लोगों के बीच में यदि बात करें, उन तमाम पापों में से जो वो करते हैं, सबसे बड़ा पाप परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना है। They just say the Holy Spirit is leading me or the Lord is saying this to me. अब वो हमेशा इन वाक्यों कहते हैं कि परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है, पवित्र आत्मा मुझे इस ओर लेकर जा रही है। But the Lord is not doing that. जबकि परमेश्वर पवित्र आत्मा ऐसा नहीं कर रहा। And the results of that are not good. अब उसके जो नतीजे निकलते हैं वो भले नहीं होते। So here we have a situation where someone is saying that I have been tempted by the Lord. अब यहाँ पर ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आती है जहाँ पर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने मेरी परीक्षा ली है। In verse 13 says, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. तेरहवें आगे लिखा है जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। For it says God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है। In other words, you cannot blame God or you cannot attribute any evil to God. तो दूसरे शब्दों में कहें तो आप किसी भी बुराई का दोष परमेश्वर पर नहीं लगा सकते और परमेश्वर के ऊपर किसी भी बुराई का आप आरोपण नहीं कर सकते। In this very chapter, you find two kinds of evil. इसी एक अध्याय में आप दो प्रकार की बुराई को देखते हैं। The first kind of evil you find in verse 2. पहले प्रकार का जो बुराई है आप उसे दूसरे आयत में देख सकते हैं। It talks about the different kinds of trials and afflictions that people go through. यहाँ पर लिखा है नाना प्रकार की परीक्षाओं और संकटों में जब तुम पढ़ो। For instance, you are going through persecution or you are going through a very bad time. हो सकता है आप एक सताव के समय जा रहे हो या एक बहुत पूरे दौर से होकर जा रहे हो। There are instances of physical evil like earthquakes and famine and plagues. मान लीजिए आपका प्रकृति तौर पर आप पर संकट आ पड़े, मान लीजिए भूइडोल हो जाए, भूखमरी छा जाए। At the time the Bible says you have to count it all joy when you fall into diverse kind of a trying situation. लेकिन बाइबल में बताया तो नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसे पूरे आनंद की बात समझो। You have to be joyful. आपको आनंदित होना है। But then it says if you are confronting an evil which is morally in nature, something which is morally evil, then don't say that you are tempted by God. लेकिन जब आप नैतिक रूप से आप पर आक्रमण होता है या आप परीक्षा में पड़ते हैं किसी बुराई को नैतिक तौर पर करने के लिए मजबूर किए जाते हैं तब आप ये न कहें कि यह परमेश्वर की तरफ से हो रहा है और यह भलाई के लिए हो रहा है। Because there are two kinds of evil. क्योंकि मैंने कहा दो प्रकार की बुराइयां पाई जाती है। One is physical evil. एक प्राकृतिक बुराई है। And there is also moral evil. लेकिन एक नैतिक बुराई है। Physical evil, perhaps you are not responsible for that many times. और जो नैसर्गिक बुराई है हो सकता है कुछ हद तक हमेशा आप उसके कारण ना हो। Like there are accidents or there are things that happen, catastrophes that happen in the world. मान लीजिए एक उदाहरण के लिए जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती है, दुर्घटनाएं होती है, बड़ी बड़ी आपत्ति लोगों पर आती है। That is evil. ये बुराई है। But then there is moral evil for which we are responsible. लेकिन अब यहाँ पर एक नैतिक बुराई होती है जिसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। And here, when James is starting to discuss about this moral evil that comes as a temptation to man, he tries to tell us and shows us that we should not attribute any evil to God. लेकिन यहाँ पर याकूब इस बात को बता रहा है कि जब नैतिक तौर पर आप परीक्षा में पड़े किसी बुराई को आप करें, आप ये ना सोचे कि परमेश्वर हमारी भलाई के लिए हम पर ये भेज रहा है। You know, many times the thought comes in the mind that well, you fell into this sin or you were led into this sin because God wants to teach you something through this sin. बहुत बार लोग ये बात बोलते हैं कि आप इस पाप में पड़ गए, परमेश्वर ने आपको लेकर गया है, वो चाहता है कि इस पाप के द्वारा कोई भलाई उत्पन्न करे, ये परमेश्वर की इच्छा है। Thank you, Lord. I have fallen into this sin. धन्यवाद परमेश्वर, मैं इस पाप में पड़ गया। I have learned so much. और मैंने इसके द्वारा बहुत कुछ सीखा। I know some theologians teach that. हाँ, मैं जानता हूँ कुछ धर्मज्ञानी ये शिक्षा देते हैं। They say that God created Adam and put him in a garden and wanted. He really wanted that Adam should fall into sin. वो ये कहते हैं कि परमेश्वर ने वाटिका बनाई, वाटिका में आदम को बनाया, उसको वहाँ पर रखा कि वो पाप करे। He knew that if he restrains, he removes every kind of grace from him, from Adam, then Adam would surely fall into sin. और ये बात सही है कि जब परमेश्वर अपने सारे अनुग्रह के परतों को आदम के ऊपर से हटा दे, तो सुनिश्चित रूप से आदम पाप करेगा। And they say that if Adam would not fall into sin, then it would be impossible that Jesus should come into the world. और फिर आप देखिए वो ये भी कहते हैं यदि आदम पाप में नहीं गिरा होता तो मसीह यीशु के इस जगत में आना असंभव था। And if Jesus didn't come and die for our sins and he didn't purchase for our redemption, then we would never be glorious.
यीशु मसीह जगत पे आकर हमारे पापों के लिए नहीं मरते, हमारे पापों से हमें शुद्ध नहीं करते, तो हम कभी भी महिमावंत नहीं होते। And then when the people start to talk about why there's so much of evil in the world, they try to show that somehow it's the sovereignty of God, is the choice of God, and we cannot contend or we cannot ask any question. और फिर जवाब उनसे प्रश्न करते हैं कि दुनिया में इतनी बुराई है, ये सब बुराई का कारण क्या है? तो वो आपसे कहेंगे ये तो सार्वभौमिक परमेश्वर की का उसका माया है, उसने ये सब रचा है और आपको इसमें से होकर जाना है। Years ago when I was still studying in the seminary, वर्षों पहले जब मैं सेमिनरी में पढ़ाई कर रहा था, I was going to my home in by train, और रेलगाड़ी और अपने घर में मैं जा रहा था, and I met a professor on the train, और ट्रेन में जो एक और प्रोफेसर थे वो मुझसे मिले, he was teaching in some university, he was teaching English literature, वो किसी दूसरे विश्वविद्यालय में English literature की विषय को पढ़ाते थे, but he didn't believe in the Christian concept of God, लेकिन वो मसीही लोग जैसे परमेश्वर को जानते हैं, विश्वास करते हैं, वो उस पर नहीं विश्वास करते थे, and I asked him with all the things that you are sharing with me about God, how can you explain evil in the world? तो मैंने उसे कहा कि तुम जब परमेश्वर के बारे में ऐसी बातें करते हो, यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि दुनिया में बुराई क्यों है, कहां से आई, इसका उत्तर आप क्या देंगे? And he immediately answered. अब तुरंत उन्होंने उत्तर दिया. He said, if you want to know why an effect is such, you have to look to the cause. यदि आप जानना चाहते हैं कि जो नतीजा है, जो उसका प्रभाव है, ऐसा क्यों है, तो आपको इस प्रभाव के पीछे के कारण को जानना पड़ेगा। If you see good and evil in the effect, it means there is good and evil in the cause. यदि आप बुराई और भलाई को आप परिणाम में देखते हैं, आप नतीजे में देखते हैं, तो इस बात को जान ले, ये भलाई और बुराई उस कारक में भी है। Now listen to me. अब आप मुझे सुनिए। In most of the non-Christian concept of God, good and evil are inherently seen in the deity. अब अधिकतर गैर मसीही धर्म विज्ञान में या मतों में जो भलाई और बुराई है, वो दोनों एक साथ उनके देवी और देवताओं में पाई जाती है। I don't need to explain polytheism. You know about all the evils and the talk of good and evil and jealousies and envies and fightings, all that is very much natural in polytheism. तो आप मुझे बहुईश्वरवाद के बारे में बताइए, जो क्योंकि आप जानते हैं जो बुराई, ईर्ष्या, बैर, द्वेष और जो पाप है, वो सब उनके देवताओं में पाए जाते हैं। If you look at pantheism, यदि आप बहुईश्वरवाद को देखते हैं, they talk about a combination of evil and good that balances the world. वो बताते हैं कि कैसे बुराई और भलाई अपने आप में साथ में काम करके संसार की तमाम बातों को संतुलित रखती है। There is another teaching which talks about dualism, which is very popular in Asia. आप देख सकते हैं द्वैतवाद जो एक और शिक्षा है, सिद्धांत है, जो एशिया में बहुत पॉपुलर है। They talk about two equal powers that are necessary for this world to be. वो दो समांतर शक्तियों के बारे में बताते हैं जो इस दुनिया के अस्तित्व के लिए अति आवश्यक है। So you have darkness and you should also have light. तो आपके पास अंधकार है और ज्योति है। If you have heat, you should also have cold. यदि आपके पास उष्मा है तो आपके पास ठंड है। If you have the positive, you must also have the negative. यदि सकारात्मक है तो आपके पास नकारात्मक भी होना चाहिए। This keeps the world in balance. ये दोनों बातें पूरे संसार में संतुलन बनाकर रखती है, वैसा बोलते हैं। So it's very natural for a worldly mind with all their rational logic and all to think that God is both good and evil. तो एक मानवीय मन के लिए, उनके विचार के लिए, उनकी प्रवृत्ति के मुताबिक से ये दोनों बातों को संतुलित करके देखना बड़ा ही स्वाभाविक। That was what the devil wanted to convince Eve of. और यही वो बात है जो शैतान हवा से मनवाना चाहता था। But James makes it very clear and says that God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. क्योंकि ना तो बुरे बातों से परमेश्वर परीक्षा में पड़ सकता है और ना वो किसी की परीक्षा लेता है। But every man is tempted when he is drawn away by his own lust and his desires. परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। Every person is independently responsible for his acts and what happens to him. तो हर एक मनुष्य व्यक्तिगत रूप से उसके साथ जो कुछ भी घटित होता है, वह स्वयं उसका जिम्मेदार है। Verse 16 he says, "Do not err, my beloved brothers." So आयत में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ। And he says, "Every good gift and every perfect." That means something which is good by the way God has created it, and something which has a good result and an effect is given by God. आप देख सकते हैं 17 आयत में लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से, इसका मतलब
जो चीज परमेश्वर ने रचा है, जो अपने आप में संविधानिक रूप से भली है, और जो कुछ परमेश्वर आपको देता है, जो जिसका निष्कर्ष और अंत भला है, दोनों परमेश्वर की देन है। You know, the Bible talks about the various gifts of God. आप देखते हैं बाइबल हमें परमेश्वर के नाना प्रकार के दानों के बारे में बताती है। It would be very interesting to make a study of all the gifts of God which are talked about in the Bible. और बाइबल में परमेश्वर के दान के बारे में जो कुछ बताया गया उसके बारे में अध्ययन करना आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत अच्छा होगा। It says in the book of Psalms that God crowns the year with his goodness. आप देख सकते हैं भजन में लिखा है परमेश्वर वर्ष को अपने ताज के द्वारा शोभायमान करता है। Jesus talked about the good gifts of the Father. आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता के द्वारा आने वाले भले वरदान के बारे में बात करते हैं। He said if a son will go to the father and ask for bread, he will never give a stone. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर बेटा जाकर अपने पिता से रोटी की मांग करता है तो वो उसे पत्थर नहीं देगा। If you ask for a fish, he will not give a snake. यदि तुम उससे मछली की मांग करो वो तुम्हें सर्प नहीं देगा। If you ask for egg, he will not give you a scorpion. यदि तुम उससे अंडे की मांग करो वह तुम्हें बिच्छू नहीं देगा। No earthly father will do that. कोई सांसारिक पिता ऐसा नहीं करेगा। But then he says in Luke chapter 11 verse 13. फिर लूक 11 के 13 में ऐसा लिखा है। If ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता जब तुम उसे उसके आत्मा की मांग करो, तुम्हें क्यों करना देगा? You know we should have an assurance that God has very good intentions towards us. तो हमारे अंदर ये भरोसा होना चाहिए कि हमारे लिए परमेश्वर के इरादे नेक हैं. Because His goodness and His love is towards us. क्योंकि उसकी भलाई और उसकी कृपा हमारे लिए है. These two words in the Old Testament, if you look, tov, which talks about good, and then chesed, which has also been interpreted as good. आप चपराई में इन दो शब्दों को देखें, जो कि तोहु है, जिसका मतलब भलाई होता है, और दूसरा chesed है, जो भी भलाई के लिए परिभाषित किया जाता है। When you look at this word chesed, it also means loving kindness or faithfulness. अब जब ये जो शब्द chesed है, उस पर गौर फरमाते हैं, ये भी परमेश्वर की करुणा, उसकी भलाई को दर्शाती है। You know, when God looked at the world He created, He said it's very good. और जब आप परमेश्वर को देखते हैं, उसने जगत की सृष्टि की, उसने कहा, ये अच्छा है। It's good by the way it has been constitutionally created by the hands of God. इसे संविधानिक रूप से जैसा परमेश्वर ने बनाया है, ये भला है। But then this word chesed talks about His intentions and His faithfulness and His and the way that He brings things to pass. और ये जो शब्द chesed है, वो परमेश्वर की वफादारी, उसकी ईमानदारी और जिस रीति से वो बातों को अंजाम देता है, उसके बारे में व्याख्या करती है। Many people are not sure that God's goodness will be shown to them. और बहुत से लोग इस बात पर भरोसा नहीं करते कि अंततः परमेश्वर उनको अपनी भलाई दिखाएगा। Somehow they think maybe something bad will happen. वो हमेशा ये सोचते हैं कहीं ना कहीं कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है। Oh, His goodness is only for some people. It's not for me. परमेश्वर की भलाई तो केवल कुछ लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। But Jesus encourages us to ask. लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें प्रोत्साहित करते हैं कि तुम मांगो। If you ask for bread, He will never give stone. तुम रोटी की मांग करो, वो तुम्हें कभी भी पत्थर नहीं देगा। Perhaps He will not give you the kind of bread that you are asking for. हो सकता है जिस प्रकार की रोटी तुम मांग रहे हो सकता है वो तुम्हें ना दे। But it is very sure that He is going to give you something better. लेकिन ये तो पक्का है कि तुम्हें वो कुछ उत्तम देगा। Because He knows what is good for you. क्योंकि वो जानता है तुम्हारे लिए भला क्या है। In Romans chapter 8, रोमी पत्र उसकी 8 पर है। Verse 28, उसके 28 की आयत। A verse that we know very well. एक ऐसी आयत जो हम बहुत बेहतर रूप से जानते हैं। It says we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. रोमी पत्र 8 पर है, यूं लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। So you see these two words again there. तो आप फिर से इन दो शब्दों को वहां देखते हैं। Of course, the word purpose is mentioned, but the word purpose is not tell you is there, but it indicates that idea. आप देख सकते हैं यहाँ पर शब्द जो उद्देश्य इस्तेमाल किया गया है वो यूनानी भाषा में टिलियोस नहीं है, लेकिन इसका अर्थ एक रीति से टिलियोस ही है। God has a purpose and His purpose is good, and whatever
is happening, the end result of that is agathos or beautiful. परमेश्वर भला है, वह भलाई करता है, और वो जो कुछ कर रहा है, वो अंततः अगतोस होगा, जो भलाई को उत्पन्न करता है. So very quickly we'll look into the book of James, the whole chapter. We'll not read the whole chapter, the whole book, but we are going to look at few good gifts that God has given us in order to experience the goodness of God in this world. तो बड़ी शीघ्रता से हम देखेंगे यहाँ पूरे याकूब की पत्री से कि कैसे परमेश्वर भला है और जो कुछ हमें दिया है वो भला है और जो कुछ हमें देता है वो भी भला है. You know, the Bible talks about Jesus giving gifts when he ascended above the ministers, the apostles, the prophets, the teachers, the evangelists, the pastors. आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण उनका हुआ उन्होंने अपने पीछे अपने चेलों के लिए विश्वासियों के लिए वरदानों को छोड़े. सब कहते हैं पासवानी की सेवा, आप बोलते हैं नबी की सेवा, उसके बाद कहते हैं आप शिक्षक की सेवा, सुसमाचार प्रचारक की सेवा, इन सारी सेवकाइयों को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने दिया. Then we look about different gifts in the Bible. फिर उसके बाद हम बाइबल में अलग अलग वरदानों को देखते हैं. But what I want to bring before us this morning is from the book of James. लेकिन आज की सुबह मैं आपके मध्य में जिस बात को लाना चाहता हूँ याकूब की पत्री से आता है. So that we will understand how God's good gift is coming into our life. जिसके द्वारा हम इस बात को समझ पाए कैसे परमेश्वर का जो भला उपहार है, भलाई है, हमारे जीवन में उतरती है. James is really very serious that we get this this thought. और हम इस बात को समझ लें इसके लिए याकूब पूरा प्रयास करता है. He wants us to be sure that our Father has very good intentions and he wants us to experience his good gift. और याकूब जानता है कि हमारा परमेश्वर बहुत भला है और वो ये भी चाहता है कि हम विश्वासी होने के नाते इस भले परमेश्वर के उपहारों को वरदानों को प्राप्त करें. So the first gift, तो पहला जो वरदान है, which is really good for us, जो सचमुच हमारे लिए भला है, which we should not miss, जो हमें नहीं खोना है, is in chapter 1 verse 3. वो पहले अध्याय की तीसरी आयत में है. It's the power of faith working through patience. और वो ऐसा विश्वास का सामर्थ है जो धीरज के द्वारा अपना काम करता है. It is the power of patience. यह धीरज की सामर्थ है. In verse 2 to 4 it says, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations, knowing this, that the trying of your faith worketh patience, but let patience have her perfect work. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो इस बात को पूरे आनंद का कारण समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है. And that you may be perfect and entire, lacking nothing. पर धीरज को अपना पूरा काम करे दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ. You know, when God created man, the creation didn't come to an end. आप देख सकते हैं जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, वह सृष्टि का अंत वहीं नहीं हो गया. Of course, he says, go and reproduce and dominate. लाजमी है, परमेश्वर ने कहा कि तुम पलो फूलो बढ़ो और पूरे पृथ्वी पर प्रभुता करो. Have dominion, he says. उन्हें कहा तुम प्रभुता करो. But the creation didn't come to an end there. लेकिन वहाँ पर सृष्टि का अंत नहीं हुआ. We see that God wanted man to grow. हम देखते हैं परमेश्वर की तमन्ना थी कि मनुष्य वृद्धि करे. That God wanted man to experience things in this world and to be tested. लेकिन परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य इस धरती पर नाना प्रकार की बातों का अनुभव करे, उसका स्वाद चखे. And the Bible talks about God working in us and through us. अब आइए बताते हैं परमेश्वर हमारे अंदर हमारे द्वारा कार्य करता है. This is the gift of patience that God gives us in the times of trouble. यह धीरज का वह वरदान है जो परमेश्वर हमें देता है जब संकट के समय में हम पाए जाते हैं. I like to define patience as faith stretched over time. और मैं धीरज को यूं परिभाषित करना चाहूंगा कि एक ऐसे विश्वास के समान है जो समय के साथ फैलता जाता है. Patience is the strength of faith. और जो धीरज है वह विश्वास की सामर्थ है. Patience is the durability of faith. और जो विश्वास है और जो धीरज है वह विश्वास की दीर्घायु है. It is not something that just looks good or we think that it is good, but something when stretched over time and over time proves to be good. ये कोई ऐसी बात नहीं जो अपने आप में भली प्रतीत होती है या भली है, लेकिन समय के साथ ये तनती जाती है, ये और फैलती जाती है. It is not just something which is good in content, but it is good in purposefulness and durability. ये अपने वस्तु में, अपने विषय वस्तु मात्र में सही या फिर भली नहीं है, परंतु अपने अपने प्रक्रिया में, अपने अंत के उद्देश्य में ये भली है. So patience exemplifies both these aspects of good, the agathos and the teleos, the intrinsic nature and the purposefulness. तो जो ये शब्द धीरज है, वह दोनों भलाइयों की ओर बातों को इंगित करता है. पहला जो अगाथोस है, जो वैधानिक रूप से भला है, दूसरा
जो अंत निष्कर्ष के रूप में भला है। Patience proves that what you believe in is true, and how you believe, and to what extent you're willing to live and die for it is real। तो धीरज हमें इस बात को बताता है, जिस बात के लिए तुम जी रहे हो, जो तुम्हारे अंदर है, वह भला है, और जिसके लिए तुम सारा प्रयास को करते हो, जो अंततः भलाई को उत्पन्न करेगा, वह भी तुम्हारे लिए भला है। But then, what the scripture here tries to show is this patience is not something that comes out of you। लेकिन बाइबल हमें एक और बात यहाँ पर बताती है कि ये जो धीरज है, वो आपके अंदर से उत्पन्न नहीं होता। Bible talks about patience as being the fruit of the spirit। लेकिन बाइबल हमें बताती है, जो धीरज है, वह तो पवित्र आत्मा का फल है। Now listen, all the gifts that we find, which I'm going to talk about in the book of James here, are actually the work of the Holy Spirit। अब देखिए, जितने फलों के बारे में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ याकूब की पत्री में, ये सारे पवित्र आत्मा के कार्य हैं। It says here, let patience have a perfect work। होने पाए धीरज को अपना काम पूरा करो। Let patience have a work। धीरज को अपना काम करने दो। You know, we have been listening from God's sermon that sometimes we need to be still। और हम परमेश्वर के दासों से इस बात को सुनते आ रहे हैं कि हमें कई बार शांत होना पड़ता है। You know, many times we try to respond a lot and we try to react a lot। कई बार तो हम हर बात को लेकर प्रतिक्रिया दिखाते हैं, हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। And the more we react, the more we make things worse। जितनी प्रतिक्रिया हम दिखाते हैं, बातें उतनी बद से बदतर होती चली जाती हैं। The Bible says when you are fallen into diverse temptations and when your faith is tried, let patience, the patience of God, the gift of God, have its work। लेकिन बाइबल कहती है, जब तुम अभिलाषाओं में पढ़ते हो और तुम्हारी परीक्षा ली जाती है, होने पाए तुम्हारे अंदर जो धीरज का फल है, वो अपना काम पूरा करेंगे। God is not saying, well, you bring out your own patience in order to be saved। परमेश्वर देखिए आपसे ये नहीं कहता कि आप उद्धार पाने के लिए अपना धीरज निकाल कर लाओ। Faith is a gift of God। जो विश्वास है परमेश्वर को वरदान है। So you are in a very, very particular situation where people are tormenting you and giving you a lot of trouble। तो आप ऐसी परिस्थिति में हो गए हैं जहाँ पर लोग आपको सताते हैं, आपको प्रताड़ना देते हैं। And there are people who speak a lot of bad things about you। और लोग आपके बारे में बहुत सी बुरी बातें कहते हैं। And there are people who are criticizing you। और ऐसे लोग हैं जो आपकी आलोचना करते हैं। What do you do? आप क्या करते हैं? Trial of your faith। ये आपके विश्वास की परीक्षा है। Not the trial of faith in the sense that defend your faith as an apologist। और जब मैं विश्वास की परीक्षा की बात करता हूँ, आप धर्म मंडन शास्त्री के समान उसका आप उसे प्रमाणित करते हैं। But whether you really trust in God। लेकिन क्या आप सचमुच परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? Whether you really trust in God that every good gift comes from God who is from above? क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि हर एक भली वस्तु स्वर्ग के परमेश्वर की ओर से आती है? And all things work together for good to those who trust and love Him। और जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए सारी बातें अंत में भलाई को उत्पन्न करती हैं। Many times people fail to be patient because they want to be patient their own way। जबकि लोग कई बार अपनी रीति से अपने अंदर धीरज उत्पन्न करना चाहते है, परमेश्वर के धीरज के फल को प्राप्त नहीं कर पाते। There is a technique to be patient। वो ये सोचते हैं कि धीरज बनने का या अपने अंदर लाने का कोई तकनीक है। But the Bible says here that let patience have a work that you will be perfect and entire, lacking nothing। बाइबल बताती है, होने पाए धीरज अपना काम करे ताकि तुम पूरे होकर सिद्ध हो जाओ। You know, what does it mean to be perfect and entire? और सिद्ध या संपूर्ण होने का मतलब क्या है? It means to experience the good gift of God। इसका मतलब परमेश्वर के भले वरदान की अनुभूति करना। It means to experience the perfect gift of God। इसका मतलब परमेश्वर के सिद्ध वरदान की अनुभूति करना। Many people are not able to experience the good and perfect gift of God because they lose patience। जबकि बहुत से लोग अपने धीरज को गंवा देते हैं, परमेश्वर की भली और सिद्ध वरदान की अनुभूति नहीं कर पाते। So God gives us the means to even to get His good gift। तो परमेश्वर अपने उस भली वस्तु को प्राप्त करने का जरिया भी हमें देता है। And this is the power of patience। अब यही धीरज की सामर्थ्य है। Secondly, दूसरी बात, God gives us the presence of His voice। वह अपने वाणी की, अपने पुकार की उपस्थिति हमें देता है। That's the reason why He says in verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God। इसलिए आप देखिए पांचवी आयत में हमसे ये कहता है, पर यदि तुम में से किसी के पास बुद्धि की घड़ी हो, तो वह परमेश्वर से मांगे। In verse 19 He says, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath। 19 आयत में लिखा है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध करने में धीमा हो। You know, many times when we are in trying situations and we are caught in the midst of a kind of storm, और बहुत ही समय जब हम परीक्षा पड़ जाते हैं या कह लें कि हम आंधी के बीच में
आ जाते हैं. We get so much active doing this and doing that. हम इतना सक्रिय हो जाते हैं यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने लगते हैं. We get kind of impatient with people. Why are you doing this? Why are you doing like that? हम अचेत होकर हम बेताब होकर यहाँ वहाँ हाथ पैर मार के छटपटाने लगते हैं. We seem to think that things are getting out of control. We need to get things in control. हम ऐसा सुन लेते हैं कि अब हमें बातों को संभालना है. अब सारी बातों को हमें अपने खुद के नियंत्रण में लेना है. Oh, we need to do something. हमें कुछ तो करना है. If we don't do something, then this boat will sink. यदि हम कुछ नहीं करेंगे, सब कुछ डूब जाएगा. God says you need to have patience. परमेश्वर कहता है तुम्हें धीरज की आवश्यकता है. You need to actually let patience work. तुम्हें अनुमति देना है अपने धीरज को कि तुम्हारे अंदर वो काम करे. And number two, God's voice is present. दूसरी बात, परमेश्वर का जो शब्द उसकी वाणी है वहां मौजूद है. You know, many times we experience the failure of thinking that God is not speaking. बहुत बार तो हम जब परमेश्वर बातें करता है हम ये सोचते हैं परमेश्वर खामोश है. We think, well, God is not speaking. हम असफल हो जाते हैं उसकी शब्द को पहचानने में. Where is the voice of God? परमेश्वर की वाणी कहाँ है? Why is not God saying anything? क्योंकि परमेश्वर कुछ भी नहीं बोल रहा. The problem is because we are not swift to hear, we are not slow to speak, and we are not slow to wrong. इसका कारण यही है कि हम सुनने में तत्पर नहीं, बोलने में धीर नहीं, और क्रोध करने में धीमा नहीं. Even in our prayers, we are so agitated and angry. We are not actually trying to listen to God. और प्रार्थना भी इतने बेकाबू, बेताब, बेसब्र हम हो जाते हैं कि हम सुनना ही नहीं चाहते. But the Bible says that the voice has gone all over. लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर की आवाज तो पूरे पृथ्वी भर में प्रयुक्त है. God is speaking. His Holy Spirit is there speaking. परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है, वो आपसे बात कर रही है. But people are not willing to listen. लेकिन लोग सुनना नहीं चाहते. But they get so emotional. लेकिन वो तो बड़े भावुक हो जाते हैं. So fearful. वो भयभीत हो जाते हैं. So agitated. वो तापने लगते हैं. Why is this happening with me? वो सोचते हैं ये क्यों हो रहा है. So bad. ये बातें इतनी बुरी क्यों हैं? Their focus is so much on the bad that they cannot trust anymore. उनका ध्यान इतनी ज़्यादा बुराई में है, वो परमेश्वर जो भलाई देता है, उसकी ओर ध्यान नहीं लगा पाते. Secondly, God wants us to understand the presence of His voice. दूसरी बात, परमेश्वर चाहता है कि उसकी आवाज़, उसकी वाणी की उपस्थिति को हम पहचानें. And very clearly, it says here that the voice of God is primarily heard in the Word of God. अब देखिए यहाँ पर खुलकर इस बात को लिखा गया है कि परमेश्वर का शब्द परमेश्वर के वचन में सुनाई देता है. It says, before you talk, before you express love or react so much, first listen to the word of God. यहाँ पर लिखा है इससे पहले तू प्रतिक्रिया दिखाओ, बहुत सारी बातों को बोलो, हाथ पैर मारो, तू परमेश्वर की आवाज को सुनो. Try to understand what God is saying in this situation. प्रयास करो इस परिस्थिति में परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है. Have you listened to God? क्या आपने परमेश्वर को सुना है? Are you speaking before you have listened? आपके बोलने से पहले क्या आपने सुना है? You know, many times when we face criticism, we try to react and speak this about that pastor, or speak this about that pastor, or say a lot of things. कई बार जब हमारे विरुद्ध में आलोचना होती है, हम तुरंत बेकाबू होकर उस पासवान के बारे में, उस अगुवे के बारे में बुरी बातें कहना शुरू कर देते हैं. We start tend to react. हम तुरंत वहाँ प्रतिक्रिया दिखाने का प्रयास करते हैं. If you're not showing our reactions to others, we are showing our reactions in our own self. कई बार जब आप बाहर वो प्रतिक्रिया दिखाते हैं, आपके अंदर बुड़बुड़ाना शुरू हो जाता है. We are so vexed inside. हम अपने अंदर बेसब्र हो जाते हैं. Be still and understand that God's voice is present here. लेकिन शांत हो जाएं, इस बात को जान लें, परमेश्वर का शब्द आपके साथ है. Don't express before you have actually listened. आप यदि नहीं सुने हैं तो आप बोलेगा. Many times the pulpit is used to condemn people. बहुत बार इस वेदी का इस्तेमाल लोगों पर दोषारोपण करने के लिए किया जाता है. But don't come on the pulpit if you have not spent time with God in prayer. यदि आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय नहीं बिताए हैं, वेदी में आने का प्रयास ना करें. Many people are very agitated with their congregation. बहुत से लोग तो अपनी जमायत से, अपने विश्वासियों से बहुत चिड़चिड़े होते हैं. They're not coming for meetings. वो कहते हैं यहाँ से आकर के सभाओं में इन लोग नहीं आते. They don't have revival. उनके अंदर बिदाई नहीं है. But how much time have you spent praying for that individual? लेकिन आप स्वयं व्यक्तिगत रूप में से उनमें से हर एक के लिए प्रार्थना करने के लिए कितना समय बिताया है? And did you actually hear from God what God is speaking in this situation? क्या आपने सचमुच परमेश्वर से सुनने का प्रयास किया है कि इस परिस्थिति में परमेश्वर आपसे क्या बोलना चाहता है? The Bible says in verse 22, be doers of the word, not just hearers. आप देखते हैं परमेश्वर कहता है परंतु
वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। In other words, listening to God actually means hearing what he's saying, understanding and grasping the content of his words and the intent of his words and putting it into action. परमेश्वर की बातों को सुनने का मतलब होता है कि आप उसकी बातों को सुनते हैं, उसे समझते हैं और अपने कर्मों में उसका विनियोग करते हैं। I can only say someone listens to me when he does what I'm saying. तो मैं जब किसी कुछ बातों कह रहा हूं और मुझे ये समझना है कि मेरी बातों को सुन रहे हैं, मैं तभी समझ पाऊंगा जब मेरी कही गई बातों को मैं उनके कर्म में देखूंगा। Why does the Bible say again and again, listen here, he who has ear, listen what the Spirit is talking to the church? आखिर बाइबल क्यों कर बार बार इस बात को कहती है कि कलीसिया इस बात को सुनो, जिसके कान है वो इस बात को सुन ले, ये बातें बार बार हम क्यों देखते हैं? Because God wants to see an evidence that we have actually listened to him. परमेश्वर इस बात का प्रमाण प्राप्त करना चाहता है कि हम उसकी बातों को सुन रहे हैं। So God shows us the power of patience and asks us to be patient. And secondly, he asks us to listen to his voice because there is the presence of his voice. परमेश्वर हमें धीरज की सामर्थ्य देता है और चाहता है कि हम धीरज को दिखाएं और उसके बाद हमें वो चाहता है कि हम इस बात को जान लें कि उसका शब्द हमारी तमाम परिस्थितियों में मौजूद है। Thirdly, तीसरी बात, in chapter 3, we see the peace of his wisdom. उसकी बुद्धि की शांति को हम देखते हैं। The peace of his wisdom. उसकी बुद्धि की शांति को हम देखते हैं। The Bible says in chapter 3, verse 17, that the wisdom that is from above, you see this gift of God, the wisdom that is from above is first pure, then peaceable. आप देखते हैं तीसरे अध्याय याकूब की पत्री की 17 आयत में लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है फिर मिलनसार। It's gentle, it's easy to be entreated, full of mercy, good fruits, without partiality, without hypocrisy, and the fruit of righteousness is sown in peace of them that make peace. फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट से रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल। You know, when we allow patience and when we are actually listening to the voice of God and we have committed ourselves to walk according to the will of God, we will experience the peace of God even in the most troubled situation. हम जब धीरज को स्वीकार कर लेते हैं, अपने उसकी सामर्थ्य काम करने देते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसकी वाणी, उसके शब्द की उपस्थिति जो हमारे जीवन में है उसको पहचान लेते हैं, उस परिस्थिति में उसकी बुद्धि की शांति हमारे अंदर प्रभुता करने लगती है। If you look at verse 14, यदि आप उसकी 14 आयत को देखें, 15, 15 आयत को देखें, it says, but if you have bitter envying and strife in your hearts, glory not and lie not against the truth. This wisdom descended not from above. It doesn't descend from above. From above, it doesn't come from above, but it is earthly, sensual, demonic. 14-15 आयत में लिखा है, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और न तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। You know, all throughout, God wants us to identify the good gift of God. इन सारी बातों में परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की भले उस वरदान को हम पहचान लें। And to experience what He is giving. और वो जो दे रहा है उसकी अनुभूति करें। Not to be led by earthly wisdom or sensual carnal wisdom of our flesh, or to be led by demonic doctrines. हम शैतानी बातों के द्वारा, शारीरिक बातों के द्वारा, सांसारिक बातों के द्वारा नहीं, परंतु आत्मिक द्वारा उसके चलाए चले। It already talks about four kinds of wisdom here. यहाँ चार प्रकार के बुद्धियों के बारे में चर्चा की गई है। Fourth is the wisdom that is from above. लेकिन जो चौथी प्रकार की बुद्धि है, वह ऊपर से आती है। And it says it brings peace in our heart. यहाँ लिखा है, वो हमारे दिलों में शांति को लाती है। If you are lacking peace, it means that we are actually not listening to the wisdom of God. यदि आपके अंदर सुकून, शांति नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि नहीं है। If there is lot of cursing, lot of bitterness, lot of agitation, lot of frustration, lot of vexation, it means that we are not experiencing the peace of God. यदि आपके अंदर बहुत सी बुड़बुड़ाहट, कुड़कुड़ाहट, जलन, ईर्ष्या, कपट, दोष, शिकायत भरी है,
इसका मतलब आपके अंदर परमेश्वर की बुद्धि की शांति नहीं है. If someone is coming to you and say, oh, that guy spoke this thing about you, or this is going to happen with you, and you lose peace, it means you're not listening to God. यदि आप जाकर किसी कहते हैं, अरे देखो, उस व्यक्ति ने आपके बारे में ऐसा कहा, वो जो व्यक्ति है आपके बारे में ऐसी बुराई कर रहा था, इसका मतलब आपके अंदर धीरज नहीं, आप अपने धैर्य को गंवा रहे हैं. The Bible says that the prophetic word of God with the Holy Spirit gives is always for exhortation, is always for encouragement and for building up. आप जब देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, जो नबूवती वचन परमेश्वर का लोगों के पास पहुंचता है, वो हमेशा उनकी प्रोत्साहन के लिए, उनके सुधार के लिए और उनके आत्मिक उन्नति के लिए होता है. So don't be discouraged with what is happening. तो जो कुछ आपके इर्द गिर्द हो रहा है, आप उससे अपनी आशा को ना खोएं. Do not react so much. आप इतने ज्यादा प्रतिक्रियाओं को ना दिखाएं. Don't feel so bad that bad is happening. आप ऐसा भाव ना दिखाएं कि बुरा 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 ही हो रहा है. God doesn't want us to feel bad. परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम बुराई का एहसास करें. To feel bad is to distrust God. और बुरा एहसास करना परमेश्वर को निराश करना है. We don't have the right to feel bad. और हमारे पास अधिकार नहीं कि हम बुरे होने का. If we are dead in Christ, यदि हम मसीह में मृत हैं, and we are new creation, हम नई सृष्टि हैं. When you feel bad, you have to ask this question: where is this feeling of feeling bad coming from? जब आप अपने आप में बुराई का एहसास करते हैं, आपको कोई बात बुरी लग जाती है, तुरंत आपको ये बात पता लगाना है कि ये जो बुरा लगने का एहसास है, कहाँ से आ रहा है? Is it something because it's personal? क्या ये व्यक्तिगत बात है, इसलिए आ रहा है? Personal grief. या व्यक्तिगत दुख की वजह से आ रहा है? Or is something related to what I see as distressing or something which is against God? या फिर ये कोई ऐसी बात से आ रहा है जिसे मैं देखकर ये समझता हूँ कि ये परमेश्वर के विरुद्ध है? We know about Jesus as a man of sorrows and he grieved and mourned for the world. हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य होने के नाते वह आंसू बहाता है, वह विलाप करता है. But it's not something that people are persecuting me, people are talking bad about me, and you know that kind of grief. लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो दुख है, वो इसलिए नहीं आता कि ये सोचकर अरे लोग मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं, मेरी आलोचना कर रहे हैं. It is not pity sorrow. यह दयनीय अवस्था से उत्पन्न किया गया दुख नहीं है. The Bible talks about godly sorrow and ungodly sorrow. परमेश्वर का वचन दैवीय दुख के बारे में और सांसारिक दुख के बारे में बताता है. See what it says about this peace of God. It is pure and it is peaceful. आप देख सकते हैं परमेश्वर शांति के बारे में, यह निर्मल है और यह शांति देने वाला है. So search for the wisdom of God. तो परमेश्वर की बुद्धि की खोज करें. Because this wisdom comes from above. क्योंकि ये जो बुद्धि है वह ऊपर से आती है. It cannot come from your own mind. ये आपके दिमाग से उपजती नहीं. And let this peaceful wisdom of God rule over our heart. होने पाए ये परमेश्वर की बुद्धि की शांति हमारे दिलों में प्रभुता करने पाए. Fourthly, चौथी बात. In chapter 4 we see the promise of promotion. पदोन्नति के वायदे को हम चौथी आयत में देखते हैं. It talks about patience, it talks about his voice, it talks about wisdom, and it also talks about promotion. ये हमें धीरज के बारे में बताती है, ये परमेश्वर के वाणी के बारे में बताती है, यह हमें परमेश्वर की बुद्धि के शांति के बारे में बताती है. चौथी बात, ये हमें पदोन्नति की प्रतिज्ञा के बारे में बताती है. There are many times that people want to give up because they are experiencing bad things. और बहुत बार ऐसा होता है जब लोग बुरी बातों के अनुभव बारंबार करते हैं, वो हार मानना चाहते हैं. So instead of listening to God, they just react and leave a particular place of ministry and go to some other place. तो परमेश्वर की बातों को सुनने के बजाय सेवकाई छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान में कूदना चाहते हैं. Or some people just imagine in their mind, well, if I go to another place, there I'll be more fruitful. कुछ लोग तो ये बात की कल्पना अपने मन में कर लेते हैं, यदि मैं यहाँ से निकलकर उस स्थान में जाऊंगा तो मैं ज्यादा फल उत्पन्न कर पाऊंगा. But listen, it's not about the place in the world somewhere in some city, but to be in the place of God's will, to be in place in God's will. आप देखिए, दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप जाकर अपने आप को बेहतर महसूस करें, लेकिन यह तो परमेश्वर की इच्छा है आप जहां रहकर अपने आप में अच्छा महसूस करें. It's more important for us to understand our place in the will of God than to understand places. इस दुनिया में स्थानों में कहां हमें रहना है, इस बात से ज्यादा हमें इस बात को महत्व देना है, समझना है कि परमेश्वर की इच्छा में हम कहां ठहरते हैं. It is not our intellectual strategies and the way we plan things that will help us or give us promotion. यह हमारी बौद्धिक रणनीति नहीं है, यह हमारी योजना नहीं है जिसके द्वारा हम पदोन्नति प्राप्त करेंगे. Therefore it says in verse 13, go to now you that say today or tomorrow we will
go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain, whereas you know not what shall be on tomorrow. याकूब 4 के 13 में लिखा है, तुम यो कहते हो, आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे. Don't be worldly. सांसारिक मत बनो. Don't think like the world thinks. और जैसे दुनिया वाले सोचते हैं ऐसा मत सोचो. This is not how you will experience the good gift of God. इस रीति से आप परमेश्वर के भले वरदानों की अनुभूति नहीं कर सकते. You do not do certain things and then you can say, well, this is how I can experience the will of God. आप कुछ कामों करके ये नहीं बोल सकते कि अरे हाँ ऐसा करने से मैंने परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा किया. But what does the word say? लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? It says here in verse 5, the spirit that dwells in you has passion, is jealous, is lusted to envy, it says. 4 का 5 याकूब की पत्री, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ नहीं? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है वह ऐसी लालसा उत्पन्न करता है जिसका प्रतिफल डाह हो. इट मींस फॉर अस टू अंडरस्टैंड द वे द होली स्पिरिट इज डिजायरस विद इन अस. तो हमें इस बात को समझना है कि पवित्र आत्मा कैसे हमारे अंदर इच्छाओं को तमन्नाओं को उत्पन्न करता है. Not to walk according to the flesh, but to walk according to the Holy Spirit, because He knows why He has put us on earth. देह की लालसा के अनुसार नहीं, परंतु आत्मा की लालसा के अनुसार जिसने हमें इस दुनिया में रखा है. And then it says, God gives more grace. फिर वहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर और अनुग्रह देता है. And in verse 10 it says, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. और फिर 10वें आयत में लिखा है, प्रभु के सामने अपने आप को दीन करो. It is not the way we think, but how God brings to pass in our life. महत्व नहीं रखता कि आप कैसी विचारधारा रखते हैं, परंतु परमेश्वर आपके जीवन में बातों को कैसे पूरा करता है, ये महत्वपूर्ण है. It is not our plannings, it is not our reactions, it is not our thinking that brings promotion in our life, but when we humble ourselves in the eyes of the Lord, we humble ourselves before God, let patience work, listen to His voice, accept and receive His wisdom, we experience the promotion of God in our life. ये हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारी कुशलताएं या कैसे हम प्रतिक्रिया दिखाते हैं, इससे हमारे जीवन में पदोन्नति नहीं आती, परंतु परमेश्वर की उस धीरज के द्वारा जो वरदान के रूप में मिला है, परमेश्वर की वाणी जो हमारे जीवन में उपस्थित है, परमेश्वर की शांति जो बुद्धि के द्वारा आती है, ये हमारे जिंदगी में पदोन्नति का कारण बनती है. In certain people, trouble drives them away from God. कुछ लोग तो परमेश्वर से अपने आप को, उनकी प्रतिक्रियाओं कारण अपने आप को परमेश्वर से दूर कर देते हैं. God says, draw nigh to me. लेकिन प्रभु कहता है, मेरे निकट आ जाओ. And finally, in chapter 5, अंततः पांचवें अध्याय में, we read about the purposefulness of prayer. हम देखते हैं प्रार्थना के उद्देश्यों को. It talks about effective prayer. प्रार्थना के प्रभाव को हम देखते हैं. In verse 16, it says, the effectual, fervent prayer of a righteous man availeth much. आप देख सकते हैं, धर्मी जन की प्रार्थनाओं से बहुत कुछ हो सकता है. You know, Jesus said, if you ask something good, God will give you good. देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम भली वस्तु की मांग करो, परमेश्वर तुम्हें भली वस्तुएं देगा. In James chapter 4 verse 2 it says, you don't have because you don't ask. याकूब 4 में तुम्हें लिखा है, तुम जबकि मांगते नहीं, तुम्हें मिलता नहीं. But many people pray just as a ritual or a formality. It's just an item among many things that you are doing. There is no passion. There is no intensity, there is no purposefulness in prayer. लेकिन कुछ लोग तो प्रार्थना ऐसे करते हैं मानो ये औपचारिकता है, उनके अंदर तीव्रता नहीं होती, उनके अंदर जलन नहीं होता, उनके मन में कोई लक्ष्य नहीं होता. And they just pray as a ritual, as a religious ritual, and then they complain. वो यूं ही धार्मिक परंपरा के तौर पर प्रार्थना कर देते हैं और फिर बाद में शिकायत करते हैं. Like the Israelites. इज़राइलियों के समान. When they face some hard situation, जब इज़राइलियों के ज़िंदगी में संकट का समय उठ खड़ा हुआ, there's no water, पानी नहीं पीने को, what did they do? अब वो क्या करते हैं? They complain, शिकायत करते हैं. They murmured, कुड़कुड़ाते हैं. But they should have prayed. लेकिन अब सोचिए, इसके बजाय उन्हें प्रार्थना करना चाहिए था. They could have prayed. Moses prayed. वो प्रार्थना कर सकते थे. मूसा ने प्रार्थना किया. Ultimately, Moses had to go to God and pray. अंततः मूसा को प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के पास जाना पड़ा. They never prayed. लेकिन इन लोगों ने कोई प्रार्थना किया. They complained and they murmured. शिकायत किया और कुड़कुड़ाए. Many times we don't experience the good
gift and the perfect gift of God because we don't use this greatest privilege that God has given us to be intense in prayer. और कई बार जो बड़ा सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है कि प्रार्थना में हमें तीव्र होना है, हमें ज्वलंत होना है, हम परमेश्वर की भलाइयों को प्राप्त नहीं कर पाते। We know Jesus was always very intense in his prayer life. अब देखिए प्रभु यीशु मसीह अपने प्रार्थना जीवन में बहुत तीव्र थे, वो बहुत सुचारू थे। He wrestled and he battled in prayer. वो प्रार्थना में वो युद्ध किया, प्रार्थना में उन्होंने संघर्ष किया। Let me ask this question as we close. जब हम समाप्त कर रहे हैं, ये प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा। When was the last time when you were really intense in your prayer? वो कौन सा आखिरी समय था जब आप सचमुच तीव्रता से प्रार्थना कर रहे हैं? When was the last time when you wrestled with God in prayer? आपको ऐसा कौन सा अंतिम समय स्मरण आता है जब आपने परमेश्वर के सामने प्रार्थना में युद्ध किया? If you are not experiencing the good gift of God and the perfect gift of God, it is not because God is not good, but it is because you are not actually asking. यदि आप परमेश्वर से भले वरदानों को, उपहारों को प्राप्त नहीं कर पा रहे, इसमें परमेश्वर की गलती नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर बुरा है, लेकिन आपके प्रार्थनाओं में तीव्रता नहीं पाई जाती। Because there is no passion in your prayer. आपकी प्रार्थना में जलन नहीं है। Because there is no power in your patience. आपके धीरज में सामर्थ नहीं है। Because you don't have the wisdom that gives you peace, but you are accepting wisdom that puts you in frustration and envy. आपके पास ऐसी बुद्धि नहीं जो आपको शांति देती है, लेकिन आपके पास सांसारिक बुद्धि है जो आपके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न कर देती है। And you are not attentive to the present voice of God. आप परमेश्वर के विद्वान शांति उसकी उपस्थिति का आप एहसास नहीं कर पाते। Listen what the Spirit is speaking. सुनिए परमेश्वर की आत्मा आपसे क्या कह रही है। Let's close our eyes. आइए अपनी आंखों को बंद करें। Father Almighty, we thank you for your word. पराक्रमी परमेश्वर आपके वचन के धन्यवाद करते हैं। We trust in your goodness. तेरी भलाई पर हम भरोसा रखते हैं। And we know that you always give every good and perfect gift. हम विश्वास करते हैं कि हमेशा सारे भले और सिद्ध वरदानों को तू हमें देता है। Things that are good because of the way you made them. बातें भली हैं क्योंकि तूने उस रीति से उनकी रचना की है। And because you gave. और क्योंकि तूने दिया है। And their purpose is always perfect. उनका उद्देश्य लक्ष्य हमेशा सिद्ध है। And you give us good gifts in order to make us perfect. और हमें भला और अच्छा बनाने के लिए तू हमें भले वरदानों को देता है। Give us the strength of patience, Lord. हमें धीरज का सामर्थ्य दे परमेश्वर। So that we can prove that the faith that you have given us is strong. कि हम प्रमाणित कर पाएं जो विश्वास तूने हमें दिया है वह सामर्थ्य है। That it has taken deep roots in our heart. कि इस विश्वास ने हमारे जीवनों में गहरे जड़ को पकड़ा है। And help us to pray and seek your voice before we speak or react or do anything. हमारी मदद कर इससे पहले कि हम प्रतिक्रिया दिखाएं, हम कुछ बातों को हम कहें, हमारे अंदर वह शांति वह विश्वास कार्य करने पाए। Forgive us when we have been overreacting many times. कई बार जब हमने अत्यधिक बगैर सोचे समझे हमने प्रतिक्रिया दिखाया, हमें तू माफ कर। Forgive us our confidence in the flesh. हमारे देह पर जो हमारा भरोसा घमंड हम करते हैं, हमें उसके लिए माफ कर। We trust in you, Lord. हम तुझ पर भरोसा करते हैं। Strengthen us. हमें सशक्त कर। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen.